हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद आफा खान। मैं भी जानता हूं और आप सब जानते हैं कि ज़ैनब के कातिल को पकड़ने में जिन्होंने सबसे बड़ा किरदार अदा किया वो सोशल मीडिया के वो लोग हैं जिन्होंने अवेयरनेस फैलाई, बात मीडिया तक पहुंची और मीडिया के बाद वो बात इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट प्रेशराइज हो गई और आखिरकार उन लोगों ने कातिल को पकड़ लिया। बहुत सी बहस हो रही है कि यार अगर वो ही कातिल था, अगर उसने अपना हुलिया बदला था तो ज़ैनब क्यों इसके साथ कंफर्टेबल होकर जा रही थी। अगर वही कातिल था और मोहल्ले में रहता था, बहुत से लोगों को पता था, उसकी ब्लर सी पिक्चर देखकर लोगों को क्यों अंदाजा नहीं हुआ कि हाँ यार ये वो बंदा हो सकता है। एक और बहस ये भी है कि अगर पुलिस ने पहले उसे पकड़ा था तो पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं था और पुलिस उसकी उस तस्वीर को देखकर उसे पहचानने में क्यों इतनी देर लगाई और आखिरकार उसको पकड़ने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा। सबसे पहली बात यह कि किसी भी मुलजिम को पकड़ने में वक्त लगाने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि अगर कोई न्यूज ब्रेक होती है, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपसे कहूं कि खुदा ना खास्ता मैं कहूं कि कराची में धमाका हो गया तो आप लोगों को वो बात आपके दिल पे लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको खबर दे रहा चलूं कि जी कराची में 15 दिन पहले धमाका हुआ था तो वो आपको इतना असर नहीं करेगी जितनी वो चीज करेगी। ये हमारे मीडिया में हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई खबर बहुत बड़ी हो और आप आवाम के रिएक्शन से बचना चाहते हो तो वो खबर बहुत अरसे बाद ब्रेक करें। इसी तरीके से इन्होंने इस सो कॉल्ड मुलजिम को इतने अरसे बाद मीडिया के सामने इसलिए लेकर आया, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेगैरतों की तरह तालियां बजवाना, हालांकि ये उनकी जॉब है जो उसमें वो बुरी तरीके से फेल हो गए। और उसके बाद उसके ज़ैनब के बाप का माइक बंद करना, या तमाम के तमाम ड्रामे इसीलिए किए हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और हम उस बारे में बात नहीं करें जिस बारे में हमें करनी चाहिए और जो डिमांड हमें करनी चाहिए, ताकि हमारी आवाम का जो गुस्सा है वो ठंडा हो गया हो। और मुझे उम्मीद है कि हमारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई वो इसलिए भी चलाएंगे कि ना सिर्फ इसका डीएनए टेस्ट किया जाए बल्कि इसका डीएनए टेस्ट मुख्तलिफ 4 सूबों से किया जाए। सबकी तरफ से अगर यही जवाब आता है जो हमारी दिल की तसल्ली के लिए काफी है, तब जाके इसको वो सजा दी जाए जो कि इस्लाम में कहा गया है। यहां पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखो हमने कहा था ना कि ये भी कोई ना कोई मजहबी, ये भी नातख्वां है। हमें क्या, वो नातख्वां है, वो टीचर है, सिंगर है, वो रेडियो प्रेजेंटर है, वो डांसर है, हमें क्या। हमें ये देखना है कि उसने किया क्या। हमारा मसला ये है कि हम ये देखते हैं कि गुनाह करने वाला किस तबके से है, किस फिरके से है, किस प्रोफेशन से है, ताकि हम तमाम के तमाम लोग मिलकर उस एक फिरके को निशाना बनाएं और खुदा ना खास्ता वो फिरका मजबूरन उस बंदे को भी उनको डिफेंड करना पड़े। अगर वो नातख्वां था तो क्या हो गया, अगर वो मौलवी था तो क्या हो गया, अगर वो सिंगर था तो क्या हो गया। सबकी सजा, सबका गुनाह एक ही है। अगर आप ये कहते हो कि देखो इसलिए तो हम कहते हैं ये नात पढ़ने वाले सारे के सारे ऐसे होते हैं, देखा किस तरह वो नात पढ़ता था, एक जगह पे नात पढ़ता था, दूसरी जगह पे उसने क्या काम कर दिया। भाई इंसान दरिंदा बनने के लिए उसको कोई भी वक्त नहीं लगता, वो कुछ भी कर गुजर सकता है, उसका प्रोफेशन उसके ऊपर कोई असर नहीं फेंकेगा जब उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो ये बिला वजह मौलवियों पर हाथ उठाना, बरेलवियों पर उठाना, सुनियों पर उठाना और प्रोफेशन पर उठाना, उसके बाद मजहब के ऊपर उंगलियां उठाना कि देखो तमाम के तमाम मजहबी लोग ही निकलते हैं। आपको यूनिवर्सिटीज में पता है क्या होता है, आपको कॉलेज में पता है होता है, आपको तमाम बाकी जो नॉर्मल जगह जहां पे काम होते हैं, जहां डायरेक्टर मैनेजर के साथ, जहां कोई बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ क्या कुछ करते हैं, वो चीजें मीडिया के ऊपर नहीं आती। तो क्या इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम वो लोग अच्छे हैं? मैं किसी को यहां इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि जब तक हम लोग एक दूसरे को बांट कर हम एहतजाज करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी, जब तक हम लोग मुनाफ्त के बजाय, मुझे तो इन लिबरल से इतनी नफरत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि देखते हैं कि ये बात को किस से मोड़ दें। भाई ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया, हुकूमत का कहना है कि ये कातिल है, आप डीएनए टेस्ट के लिए अपील करें, आप ये कहें कि इस तरह होना चाहिए और उसको सजा दें, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। हमें नहीं देखना वो किस कौम का है, पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, बलोच है, बाप है किसी का बेटा है, हमें नहीं देखना वो कसूर का है, कराची का है, पंजाब का है, जहां कहीं कभी है। अगर वो मुजरिम है तो उसे सरेआम फांसी दी जाए। जब तक आप इस प्रोफेशन के डिबेट्स में पढ़ते रहेंगे कि देखो ये करता था, वो ये करता था, इससे क्या होगा कि हम अपनी अटेंशन खुद डाइवर्ट कर लेते हैं और एंड में यह होता है कि हम किसी को भी इंसाफ दिलाने में कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग इंसाफ दिलाते हुए यह देखते हैं हमें ना सिर्फ इंसाफ दिलाना है बल्कि जिस वो फिरके से ताल्लुक रखता है हमें उस फिरके को, उस प्रोफेशन को भी अटैक करना है। तो इससे आप भूल जाएं कि आप कभी भी किसी को इंसाफ दिला सकेंगे। आपसे यह गुजारिश है कि आप तो यह कहें कि जितने भी नात पढ़ने वाले लोग हैं वो तो ज्यादा सामने आए ताकि इनका प्रोफेशन बदनाम ना हो, लेकिन हमने क्या, हमने यह करना है कि हमने प्रोफेशन भी बदनाम करना है, हमने पॉलिटिक्स भी खेलनी है और फिर हमें उम्मीद भी करनी है कि हमें कभी इंसाफ मिल सकता है। तो इस तरह कभी भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपको उस बंदे का विजिटिंग कार्ड टेक करके बता रहे कि देखो ये नातख्वां था, उसको जरूर टेक करके ये बताएं वो नातख्वां था, मौलवी था, जो भी था, वी डोंट केयर। हमें सिर्फ ये चाहिए कि उसे इंसाफ, ज़ैनब के वालदेन को इंसाफ दिलाया जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।